और शनिवार को ईद की नमाज अदा होने के बाद ईद पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर ईदगाह और मस्जिदों की साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य पूरा हो गया है। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। रांची हरमो ईदगाह का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक उराव ने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं रांची से। जी दीपक, बाजारों में रौनक है, लोग उत्साहित हैं, इसके लेकर शांति समिति की बैठक भी की गई है, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए रमजान का पाक महीना चल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग इबादत कर रहे हैं और आज अलविदा जुमा अदा की जाएगी और कल ईद की जो नमाज है वो पढ़ी जाएगी, जिसके उपरांत ईद की शुभकामनाएं दी जाएगी और इसको लेकर तैयारी अंतिम चरण पर है। तमाम जो ईदगाह है या फिर मस्जिद है उसका रंग रोगन साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है और हम इस वक्त मौजूद है हरमो ईदगाह में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ईदगाह को सजाने संवारने का काम है वो जोरों पे चल रहा है और जो नमाज अदा करने के लिए जो लोग आएंगे उसके लिए यहाँ पर दरी भी बिछाने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के स्तर से भी तमाम तरह की तैयारियाँ की जा रही है, खासतौर पर पिछले दिनों शांति समिति की भी बैठक हुई थी और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और जिसके तहत रांची शहर के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन के स्तर से हो या फिर मस्जिद या फिर ईदगाह के लोगों के स्तर से हो, तमाम तरह की जो तैयारियाँ हैं वो खास तौर पर की जा रही है। हरमो ईदगाह के जो इमाम हैं इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि खास तौर पर ईद को लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारी अभी चल रही है। जी, मैं ईदगाह मस्जिद का इमाम मोहम्मद इरफान सादिक रजवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने आकर के लोगों तक ये बात अवगत कराई कि यहाँ ईद की तैयारी चल रही है और ईद की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं मस्जिद के काम रंगो रोगन का काम चल रहा है, दरी वगैरह बिछाई जा रही है, माइक वगैरह लगाया जा रहा है और आज 29 शाबान मौजम है और आज चांद दिखने की उम्मीद है, इसलिए सारे लोगों से मैं गुजारिश भी करूंगा कि चांद देखने का अहतमाम करें और चांद का रुयत या आदमी रुयत का जो ऐलान होगा वो इदारा शरिया झारखंड का आखिरी फैसला होगा, उनका हतमी फैसला होगा, वहाँ से जो भी ऐलान होगा उसी के हिसाब से काम किया जाएगा और तमाम काजियान शहर जो है वो एक वर्चुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस के जरिए कर चुकी है कि चांद का रुयत का या आदमी रुयत का जो भी ऐलान होगा वो तमाम काजियान शहर जो है वो एक साथ ऐलान करेंगे और इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान एक साथ ईद मनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मना रहे हैं और कुछ लोग नहीं मना रहे हैं, इंशाल्लाह चांद देखने का पूरी एहतमाम किया जाएगा और इदारा शरिया झारखंड के लोगों ने गालिबा 65 जगह चांद देखने का एहतमाम किया है और जहाँ से भी खबर आएगी तो इदारा शरिया झारखंड से ऐलान कर दिया जाएगा और चांद नज़र आ गया तो इंशाल्लाह कल पूरा हिंदुस्तान और हम लोग भी ईद की नमाज अदा करेंगे। कल ईद की नमाज जो अदा होगी हरमो ईदगाह में क्या कुछ समय सारनी है जिसके जिस समय पर नमाज अदा हो? जी जी, जैसा कि हमको उससे मालूम चला है कि 9:30 बजे ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी और 9:30 बजे से पहले मस्जिद में कुछ लोग नमाज अदा करते हैं, वो इस वजह से कि भी सारे लोग रहते हैं उनको देख रेख के लिए भी, उनके अहतमाम के लिए भी हम लोग पहले नमाज अदा करते हैं ईदगाह से पहले और ईदगाह में जो नमाज होगी वो 9:30 बजे होगी और अभी ईद की नमाज जो मस्जिद में होगी ईदगाह मस्जिद में उसका वक्त मुतय्यन अभी हम लोगों ने नहीं किया है वक्त मुतय्यन। कितने लोगों के लिए ईद की नमाज अदा करने के लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पे? व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, गालिबन लाखों लोग ईद की नमाज यहाँ पढ़ते हैं, ये पूरी ईदगाह भरी हुई रहती है, आपको किशोरगंज से लेकर के विशाल मेघा मार्ग तक पूरे रोड तक लोग ईद की नमाज अदा करते हैं
और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफी तादाद में यहाँ ईद की नमाज अदा करने के लिए आते हैं और ईद की खुशियाँ एक दूसरे को बांटते हैं। कल जिस तरह से ईद की जो नमाज अदा होगी की जाएगी, क्या कुछ दुआएं की जाएगी अल्लाह ताला से? अल्लाह ताला से यही हम लोग दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब भाईचारगी के साथ रहें, अमन सुकून के साथ रहें। यही अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करेंगे कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहते हैं सब के लिए दुआ करेंगे कि दुनिया या हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सबको अल्लाह तबारक व ताला अमन सुकून के साथ, भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाएँ और सब एक दूसरे के साथ इंसानियत के नाते बरकरार अपना इखलाक व मोहब्बत रखें। और ईदगाह मस्जिद में तो ईदगाह में जो नमाज अदा की जाती है सब और भी लोग से आते हैं, लोग आते हैं और उनके लिए सेवाएं का इंतज़ाम रहता है और खाने पीने का इंतज़ाम रहता है, पानी का, मिनरल वाटर का इंतज़ाम रहता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो ये बता रहे थे कि इस बार जो है व्यापक तौर पे तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है और ख़ास तौर पे दुआएं जो मांगी जाएगी वो तमाम देशवासियों के लिए मांगी जाएगी, अमन चैन कायम रहे देश में, ये दुआ की जाएगी। तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की गई है। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो जिस तरह से एक महीना हम लोग इबादत करते हैं और जिस तरह से जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री में कल ही ईद का चांद दिख गया है, तो अरब कंट्री में आज ईद मनाया जा रहा है, लेकिन भारत देश में कल आज ईद का चांद देखा जाएगा और कल ईद की नमाज अदा होने के बाद ईद का पर्व जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों कोरोना की जो असर था, व्यापक असर था और उसको लेकर के जो ईद का पर्व कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर नहीं मनाई गई थी, तो लिहाजा इस बार ईद का पर्व बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा और तमाम लोग इस ईद के पर्व में शामिल होंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे। जो परंपरा जो सदियों से चला आ रहा है उस परंपरा के तहत तमाम तरह का जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और कल तमाम ईदगाह हो या फिर मस्जिद हो वहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। जी जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।